आज मैं जो भी बनाने वाली हूँ सारे क्यूट होने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम टाइगर के हाथ को कट करेंगे। ब्रेसलेट से भी मैच कर रहा है। हम ड्रॉ करेंगे हमारा फेवरेट डोरेमोन एंड इसके कवर को निकाल देंगे और फिर लगा देंगे ब्लश। आप सब वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो क्यूटीज, तो आज हम बनाने वाले हैं स्कूल सप्लाईज, वो भी पेपर की हेल्प से, क्योंकि काफी दिन से आप सबका रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं पेपर क्राफ्ट करूं, तो सोचा क्यों ना आप सबके लिए ही पेपर क्राफ्ट किया जाए, वो भी स्कूल सप्लाई। तो आज मैं जो भी बनाने वाली हूँ सारे क्यूट होने वाले हैं एंड आप सब इजिली रिक्रिएट कर सकते हो। तो वेलकम टू माई चैनल क्राफ्ट विद डब्बू। तो आज जो भी मैं बनाऊंगी सारे में ही पेपर का यूज हुआ है एंड सारे ही इजी है एंड आप सब इजिली रिक्रिएट कर लोगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बुकमार्क, जिसके लिए मैंने यूज किया है येलो पेपर का। तो चलो देखते हैं। तो मैंने ले लिया 12x12 सेंटीमीटर का सीट, यानी इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे एंड उसके बाद हम क्यूट सा कैरेक्टर ड्रॉ करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हो। वैसे मैंने तो क्यूट सा टाइगर ड्रॉ किया है। आप कौन सा एनिमल ड्रॉ करना चाहोगे जल्दी से कॉमेंट में बताओ। ड्रॉ करने के बाद हम मार्कर की हेल्प से आउटलाइनिंग कर लेंगे। आप चाहो तो स्केच पेन का भी यूज कर सकते हो। मुझे सबसे ज्यादा मजा इसी पार्ट में आती है एंड आउटलाइनिंग करने के बाद ये कितना क्यूट लग रहा है। फिर मैंने ग्लू की हेल्प से दोनों पेपर को आपस में स्टिक कर लिया एंड फिर कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें चाहिए थर्माकोल कटर, जिसकी हेल्प से हम टाइगर के हाथ को कट करेंगे। देन थोड़ा डिटेलिंग करेंगे, मीन्स आग कान मुंह सब बनाएंगे। तो ये रहा हमारा क्यूट सा बुकमार्क, जो काफी क्यूट है एंड आप इस टाइप के बहुत सारे बना सकते हो। एंड ये देखो ये कितना क्यूट लग रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट डीआईवाई पे, जो हम बनाने वाले हैं स्केल। तो बीटीएस आर्मी जल्दी से कमेंट में बीटीएस लिख देना, क्योंकि ये स्पेशली आप सबके लिए ही है। तो स्केल के लिए मैंने यूज किया है पर्पल सीट का। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम सीट की हेल्प से सर्कल कट करेंगे एंड नीचे थोड़ा स्पेस भी छोड़ देंगे। फिर मैंने दो सीट लिया है, डार्क एंड लाइट, एंड सर्कल को लाइट वाले सीट में स्टिक करेंगे एंड एक्स्ट्रा पोर्शन को कट करके लाइट वाले सीट को डार्क वाले सीट पर स्टिक कर देंगे। तो अब आया टाइम थोड़ा डिटेलिंग करने का एंड बीटीएस लोगो भी स्टिक कर देंगे, क्योंकि उसके बिना तो बीटीएस स्केल अधूरा ही लगेगा। एंड रेडी है हमारा स्केल, बट इसमें तो हमने मेजरमेंट ही ड्रॉ नहीं किया। तो मैंने ले लिया अपना पुराना स्केल, जिसकी हेल्प से मेजरमेंट हम मार्क करेंगे। अपने स्केल के लेंथ के अकॉर्डिंग नंबर जितना चाहो उतना लिख सकते हो। एंड रेडी है हमारा पीटीएस स्केल, बट ये थोड़ा प्लेन लग रहा था तो मैंने ग्लिटर पेन की हेल्प से बहुत सारे हार्ट ड्रॉ किए हैं। एंड रेडी होने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा। तो चलो देखते हैं ये काम करता भी है या नहीं। तो मैंने ढेर सारे लाइन ड्रॉ किए एंड ये एकदम परफेक्ट लाइन ड्रॉ कर रही, और ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बीटीएस वाले जल्दी से कॉमेंट में अटेंडेंस लगा दो। और ये तो मेरे ब्रेसलेट से भी मैच कर रहा है। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट डीआईवाई, जो कि है पेंसिल केस। तो मैंने ले लिया स्काई ब्लू कलर का सीट एंड आप चाहो तो कोई भी कलर के सीट का यूज कर सकते हो। एंड फिर मैंने लिया है बड़े वाले कैप, जिसपे ग्लू अप्लाई करके हम सीट को स्टिक करेंगे और हमारा ट्यूब बन जाएगा। वैसे मेरे पास ये वाले सीट बहुत सारे थे, इसलिए मैंने इसका यूज किया है। फिर हम ग्लू अप्लाई करके कैप लगा देंगे, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, और अच्छे से स्टिक कर देंगे। वैसे आप कोई भी बड़े कैप का यूज कर सकते हो। फिर मैंने कैप को कवर करने के लिए सीट को स्टिक कर दिया एंड अब आया टाइम पेंसिल बॉक्स के कैप को डेकोर करने का। तो पहले मैंने डार्क पेपर से कैप को कवर कर दिया, देन मैंने लाइट पेपर को भी स्टिक किया है। एंड इसी बात पे आप सब जल्दी से अपना फेवरेट कलर बताओ एंड ब्लू किसको किसको पसंद है ये भी। फिर मैंने एक्स्ट्रा पार्ट में ढेर सारे कट लगाकर स्टिक कर दिया एंड एक सर्कल सीट से भी कवर कर देंगे। वैसे आप चाहो तो पेपर की हेल्प से ही कैप बना सकते हो। एंड अब आया टाइम बॉक्स को थोड़ा क्यूट बनाने का, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत ही प्लेन प्लेन लगेगा। तो मैंने स्टिक कर दिया आंखें, आप चाहो तो डायरेक्टली भी
भी बना सकते हो। एंड फिर हम ड्रॉ करेंगे आई लैसेस, स्लीप एंड माई फेवरेट ब्लश, जिससे ये और भी क्यूट लगेगी। फेस कम्प्लीट होने के बाद मैंने लगा दिया है बो एंड मैंने रखा है इसमें स्केच पेन एंड कैप को लगा देंगे। और ये देखो हमारा क्यूट सा पेंसिल केस जो कि बहुत ही क्यूट है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट डीआईवाई जो कि है हमारा पेंसिल टॉपर। तो सबसे पहले मैंने ले लिया दो ब्लैक सीट एंड फिर हम ड्रॉ करेंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारे डिजाइन सोचे थे बट मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बनाना था इसलिए मैंने बनाया पेंगुइन। तो पैटर्न बनाकर कट करने के बाद मैंने व्हाइट सीट पर भी पैटर्न ड्रॉ किया है एंड फिर उसे भी कट कर लेंगे एंड फिर हम ब्लैक वाले पैटर्न पर स्टिक करेंगे। वैसे आप चाहो तो कोई भी क्यूट सा कैरेक्टर ड्रॉ करके यूज कर सकते हो। फिर हम दोनों ही पीसेस पर आंख और मुंह स्टिक करेंगे एंड रेडी है हमारा क्यूट सा पेंगुइन। फिर मैंने दोनों पीसेस को स्टिक कर दिया एंड थोड़ा स्पेस भी छोड़ दिया जहाँ से हम पेंसिल को इंसर्ट करेंगे एंड रेडी है हमारा क्यूट सा पेंसिल टॉपर। वैसे आप चाहो तो इसे पेन टॉपर के जैसे भी यूज कर सकते हो। और ये देखो मेरा क्यूट सा पेंगुइन जो काफी क्यूट एंड यूनिक लग रही एंड आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट डीआईवाई जो की है बैच जो की बहुत ही क्यूट होने वाली है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे सीट एंड इस पर ड्रॉ करेंगे हमारा फेवरेट डोरेमोन एंड उसके बाद ब्लैक मार्कर की हेल्प से आउटलाइनिंग कर लेंगे। वैसे आप सबका फेवरेट कार्टून कौन सा है जल्दी से कमेंट में बताओ। और अगर आपको डोरेमोन का कोई गैजेट मिलेगा तो आप कौन सा लेना चाहोगे एंड हाँ आप चाहो तो प्रिंट भी निकाल कर यूज कर सकते हो। एंड बातों बातों में हमारा आउटलाइनिंग कम्प्लीट हो गया एंड अब हम स्केच पेन की हेल्प से इसे कलर करेंगे। कलर करने के बाद हम मार्कर की हेल्प से इसके आंख भी बना लेंगे और मूंछ भी एंड ये कितना क्यूट लगने लगा ना। मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग आती है मुझे तो पता ही नहीं था। एंड फिर हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैंने लिया है ब्रोच पिन। आपके पास ना हो तो आप सेफ्टी पिन का भी यूज कर सकते हो एंड ग्लू से स्टिक करने के बाद मैंने पेपर भी स्टिक कर दिया एंड रेडी है हमारा क्यूट सा डोरेमोन बैच। और ये देखो कितना क्यूट है ना। तो किसको किसको डोरेमोन पसंद है जल्दी से कमेंट में बताओ। इसको आप बैग पर भी लगा सकते हो और ड्रेस पर भी लगा सकते हो बट मेरे पास तो बैग नहीं है तो मैं तो ड्रेस पे ही लगाऊंगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट डीआईवाई पे जो इस वीडियो का लास्ट डीआईवाई है। तो मैं डेकोरेट करने वाली हूँ इरेजर को मींस इरेजर के कवर को। तो मैंने ले लिया अपना इरेजर एंड इसके कवर को निकाल देंगे एंड फिर मैंने लिया है ऑरेंज कलर का सीट क्योंकि हमारा पेंसिल ऑरेंज कलर का था एंड कवर पर स्टिक कर देंगे एंड ये बहुत ही प्लेन प्लेन लग रहा तो हम इसे क्यूट बनाएंगे। तो मैंने ड्रॉ कर लिया आंखें एंड फिर मुंह और फिर लगा देंगे ब्लश एंड ये कितना क्यूट लगने लगा। फिर मैंने बो भी बना दिया एंड रेडी हो गया हमारा क्यूट सा इरेजर कवर। तो अब इरेजर को इंसर्ट कर देते एंड सिंपल इरेजर को हमने बना दिया क्यूट इरेजर। ये कितना क्यूट लग रहा है ना। आप इसी टाइप से अपने शार्पनर को भी डेकोरेट कर सकते हो। सारे डीआईवाई में से सबसे ज्यादा आपको क्यूट कौन सा लगा जल्दी से कमेंट में बताओ क्योंकि मुझे तो सारे ही क्यूट लगे। फाइनली आज के हमारे सारे डीआईवाई कंप्लीट हो गए एंड अब तक आप सब वीडियो देख रहे हो तो जल्द इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा थैंक्स। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब आइडिया जरूर शेयर करना एंड सारे में से आपको सबसे ज्यादा क्यूट कौन सा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।